बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इफ़ एफ ओ एक्स इज इक्वल टू 3x² - 7x + 4 फाइंड एफ ऑफ 1/x। यानी आपने एफ ऑफ 1/x की जो वैल्यू है ये फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा सॉल्यूशन में लिखें, जो हमारे पास गिवन फंक्शन है, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² - 7x + 4, ठीक है। इसे आप बेटा इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने एफ ऑफ 1/x फाइंड करना है, ठीक है। सिंपल बेटा, जहाँ गिवन फंक्शन के अंदर जहाँ x आया है ना, वहाँ आपने क्या पुट कर देना है, 1/x पुट कर देना है। लिखें यहाँ पे, पुट x इज इक्वल टू 1/x इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जहाँ जहाँ x आया वहाँ क्या पुट करेंगे, 1/x। तो ये बनेगा हमारे पास एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू 3, इस x की जगह आएगा बेटा 1/x, ठीक है, ये होल स्क्वायर आ गया, -7, इस x की जगह क्या आएगा 1/x, +4 एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे देखें 3, ये बेटा 1 दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, होल पावर 2 आ रही है, तो 1 का भी स्क्वायर आएगा और x का भी स्क्वायर आएगा, तो ये बनेगा 1/x², ठीक हो गया। -7 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा ये बनेगा 7/x, +4 आ गया। अब बेटा यहाँ पे देखें, ये बनेगा नंबर 3, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 3/x² -7/x + 4। अब इनका लें एलसीएम, बेटा एक्स स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम आ रहा है। अब देखें एक्स स्क्वायर का टेबल पढ़ो कि एक्स स्क्वायर आए, कि एक्स स्क्वायर को बेटा 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करवाया ये 1 है, तो 1 को बेटा एक्स स्क्वायर के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवा दो, तो 3 × 1 = 3 आता है। माइनस एक्स का टेबल पढ़ो कि हमारे पास एक्स स्क्वायर आए, ठीक है, एक्स को बेटा मैं एक्स से मल्टीप्लाई करवाऊँ ना तो एक्स स्क्वायर आता है, तो जिस नंबर से x को मल्टीप्लाई करवाया उस नंबर को x के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवा दो, तो x को जब 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 7x प्लस, बेटा इसके डिनोमिनेटर में 1 पड़ा हुआ है, 1 का टेबल पढ़ो कि हमारे पास क्या आए, एक्स स्क्वायर आए, 1 को बेटा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो जिस नंबर से 1 को मल्टीप्लाई करवाया है उस नंबर को 1 के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवा दो, 4 जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 4x², समझ आ गई। ये 1 जो है डिनोमिनेटर में लिखते नहीं हैं, तो ये मैं रेज कर लूँ, तो ये बेटा हमारे पास एफ ऑफ 1/x का आंसर आ गया, ठीक है। अब बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x 1 - x² देन फाइंड एफ ऑफ साइन थीटा, ठीक हो गया। बेटा फंक्शन हमें गिवन किया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x 1 + x² √, तो फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ साइन थीटा की बेटा वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले बेटा इफ के बाद जो स्टेटमेंट आती है वो गिवन होती है, तो सबसे पहले तो आप जो गिवन स्टेटमेंट है वो लिखें, सॉल्यूशन गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x 1 - x² √, इसे बेटा आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने तो एफ ऑफ साइन थीटा फाइंड आउट करना है, तो बेटा ये हमारे पास गिवन के एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब है एक्स की जगह क्या पुट कर दें, साइन थीटा, तो मुझे एफ ऑफ साइन थीटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखें, पुट एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा इन इक्वेशन नंबर 1, कि इक्वेशन नंबर 1 में बेटा जहाँ जहाँ एक्स आया है आपने वहाँ वहाँ क्या पुट करना है, साइन थीटा पुट कर देना है। तो देखें यहाँ पे
बनेगा एफ इंटू एक्स की जगह क्या आएगा साइन थीटा। ठीक है, देखिए वही चीज़ बन रही है, इज इक्वल टू टू एक्स की जगह क्या आएगा बेटा साइन ऑफ थीटा इंटू वन कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेगा माइनस एक्स की जगह क्या आएगा साइन थीटा, तो एक्स पे स्केयर है तो ये बनेगा साइन ऑफ स्केयर ऑफ थीटा। समझ आ गई मेरी बात। अब बेटा ये देखें, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर रिजल्ट है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर हमारे पास दो टर्म जो हैं वो स्क्वायर में आ रही हो, देखिए वन पे स्क्वायर लिखा जा सकता है ना, तो चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में, बेटा इन दो टर्म्स को मैं एक टर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, क्यों कन्वर्ट करना है बेटा, ये दो टर्म जब एक टर्म में कन्वर्ट होंगी ना तो वो भी स्क्वायर में टर्म आएगी, तो स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखें मुझे वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ से वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनाता हूँ। देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्या हो रहा है पॉजिटिव है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नंबर बनेगा कोस स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, यानी कि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ रहा है बेटा कोस स्क्वायर थीटा के, तो क्या मैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। देखें जी यह आएगा टू साइन ऑफ थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है बेटा कोस स्क्वायर ऑफ थीटा के, स्क्वायर रूट आ गया। इधर रीजन भी लिख लें, बिकॉज वन माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ऑफ थीटा, आया किस तरह ये मैंने बता दिया आपको। अब बेटा ये देखें कोस पे स्क्वायर है तो बेटा फंक्शन का स्क्वायर जो है ये वाला और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा नंबर टू साइन थीटा कोस ऑफ थीटा। अब हमारे पास एक रिजल्ट और मौजूद है, वो देखें टू साइन थीटा ये बराबर होता है बेटा किसके, ये रिजल्ट देखें जी, साइन ऑफ टू थीटा, टू साइन थीटा कोस ऑफ थीटा। ठीक है, अब देखें टू साइन थीटा कोस थीटा, टू साइन थीटा कोस थीटा किसके बराबर है साइन टू थीटा, इसकी रीजन मैंने लिख दी कि साइन टू थीटा जो है ये बराबर होता है किसके, टू साइन थीटा कोस थीटा। बेटा ये फार्मूला था आपने याद करने, तो जहाँ पे आपको टू साइन थीटा कोस थीटा नज़र आएगा वहाँ पे आप साइन ऑफ टू थीटा जो है वो लिख सकते हैं, तो मैंने टू साइन थीटा कोस थीटा की जगह पे साइन ऑफ टू थीटा जो है वो लिख दी है, तो ये हमारे पास एफ ऑफ साइन थीटा का क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक हो गया, अब बेटा क्वेश्चन नंबर थ्री देखें, क्वेश्चन नंबर थ्री है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, देन फिर फाइंड एफ ऑफ टेन ऑफ ए, यानी कि एफ टेन ऑफ ए की वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले बेटा जो गिवन स्टेटमेंट है वो लिखें, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर वन का नाम दें। हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने तो एफ ऑफ टेन ऑफ ए फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब है फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दें tan a। ठीक है, तो लिखें इधर पुट x इज इक्वल टू tan ऑफ a। ठीक है, ये a बेटा tan का एंगल है। ठीक है, इन इक्वेशन नंबर वन, तो ये आएगा f tan ऑफ a इज इक्वल टू टू tan a डिवाइडेड बाय वन प्लस
टेन स्क्वायर ऑफ ए। समझ आ गई मेरी बात की? अब बेटा यहाँ पे ये बात याद रखें, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा के बराबर होता है, ठीक है? फिर सुन ले, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है? और यहाँ से देखें, वन प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी कि एंगल चेंज कर दें बेटा, फार्मूला ने फिर वही रहना, फार्मूला तो नहीं चेंज हो जाएगा, फार्मूला हमारे पास वही रहेगा, एंगल चेंज होगा ना। वन प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर ऑफ ए। समझ आ गई मेरी बात की? अब जहाँ पे बेटा वन प्लस टेन स्क्वायर ए आया है, वहाँ पे मैं सीकन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखें, ये आएगा बेटा टू टेन ऑफ ए डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन स्क्वायर ए सीकन स्क्वायर ऑफ ए। समझ आ गई है? ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ टेन ऑफ ए। अब यहाँ पे देखें जी, एफ ऑफ टेन ऑफ ए इज इक्वल टू बेटा आपने अब करना क्या है, टू टेन ऑफ ए है तो ये टेन को साइन और कोज में कन्वर्ट कर लो, और इस सीकन को भी यानी कि कोज में कन्वर्ट कर लो। देखें जी, टेन ए किसके बराबर है? टेन तो बराबर होता है साइन ए ओवर कोज ऑफ ए। मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, एंगल जो यहाँ पे आएगा वही एंगल हम यहाँ पे साइन और कोज के साथ लिखेंगे, ठीक है ना? डिवाइडेड बाई सीकन किसके बराबर होता है बेटा? अगर तो मैं कोज का रेसिप्रोकल ले लेता हूँ ना, ठीक है, तो ये सीकन थीटा के बराबर होता है, ठीक है? तो अगर कोज पे स्क्वायर आ रहा है तो सीकन पे भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है? देखिए, सीकन स्क्वायर ऑफ थीटा किसके बराबर है? वन ओवर कोज स्क्वायर थीटा के। सीकन स्क्वायर ए, यहाँ पे एंगल चेंज है तो बेटा जहाँ जहाँ थीटा आया है वहाँ वहाँ आप ए लिख दें। समझ आ गई है? यानी सीकन स्क्वायर ए जहाँ पे आएगा वहाँ पे क्या लिखेंगे? वन ओवर कोज स्क्वायर ए लिख देंगे, वन ओवर कोज स्क्वायर ऑफ ए। समझ आ गई मेरी बात? अब ये देखें, ये इस तरह लिखा जा सकता है, टू साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कोज ऑफ ए, ये डिवीजन का साइन बेटा, ये डिवीजन, वन ओवर कोज स्क्वायर ऑफ ए। समझ आ गई मेरी बात? ये रफ काम है साइड पे। अब ये देखें जी, टू साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कोज ऑफ ए, इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें तो इस साइड का बेटा रेसिप्रोकल ले लिया जाएगा, तो ये आएगा कोज स्क्वायर ऑफ ए। बेटा ये कोज ए, ये एक पावर से कैंसिल हो गए, एक पावर आ गई कोज की, तो ये क्या बना? टू साइन ऑफ ए कोज ऑफ ए, ये ए जो है ये साइन का भी एंगल है और ये ए कोज का एंगल, ठीक है? अब देखें, टू साइन ए कोज ए, हमारे पास फार्मूला क्या है? हमारे पास एक फार्मूला है कि टू साइन थीटा कोज थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा। तो ये आएगा टू साइन ए कोज ए किसके बराबर है? साइन टू ए। ये हमारे पास बेटा एफ ऑफ टेन ऑफ ए की वैल्यू आ गई, साइन टू ए, ठीक है ना? ये रीज़न है, देखें बेटा ये हमने थीटा में फार्मूला पढ़े हुए हैं ना, तो ये साइन टू थीटा किसके बराबर होता है? टू साइन थीटा कोस थीटा, चाहे इधर से पढ़ लो चाहे इधर से पढ़ लो, एक ही बात है। यहाँ पे देखें, टू साइन ए कोस ए साइन टू ए के बराबर है, ठीक है, इस फार्मूला की मदद से। तो ये हमारे पास एफ ऑफ टेन ऑफ ए का आंसर है साइन टू ए। लो क्वेश्चन नंबर फोर देखें, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर वन माइनस एक्स, फाइंड
f of 5 अब ये देखें हमने क्या फाइंड आउट करना है, f इंटू एफ ओ फाइव, यानी कि मैं सबसे पहले तो ब्रैकेट के अंदर में जो नंबर है ना ये बनाऊंगा एफ ओ फाइव बनाऊंगा, फिर इस पे मैं f अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद जो स्टेटमेंट है बेटा वो गिवन होती है, वो लिखें गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/(1 - x)। सबसे पहले बेटा मैं ये ब्रैकेट के अंदर में एफ ओ फाइव जगह बनाऊंगा, तो एफ ओ फाइव यानी कि फाइव किसकी जगह आ रहा है, एक्स की जगह, इसे तो नाम दे वन का, लिखे पुट एक्स इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1, समझ आ गई। तो ये बनेगा हमारे पास एफ ओ फाइव इज इक्वल टू 1/(1 - x) की जगह क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये बेटा बना 1/(1 - 5) क्या होता है, -4, यानी कि -1/4 आ गया, क्या एफ ओ फाइव, समझ आ गई। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, मुझे चाहिए f इंटू एफ ओ फाइव। नाउ f इंटू एफ ओ फाइव इज इक्वल टू, गिवन में तो मुझे एफ ओ एक्स का पता है, ठीक है। अब इस x की जगह क्या आ रहा है, एफ ओ फाइव आ रहा है, ठीक है। अगर फंक्शन जो है x पे अप्लाई हो रहा है तो क्या वैल्यू दे रहा है, 1/(1 - x)। अगर ये फंक्शन एफ ओ फाइव पे अप्लाई होगा तो इसको देखते हुए क्या वैल्यू देगा, 1/(1 - इधर x है तो इधर x आया, तो इधर एफ ओ फाइव है तो इधर क्या आएगा, एफ ओ फाइव, क्यों, फंक्शन अब एफ ओ फाइव पे अप्लाई हो रहा है, समझ आ रही है मेरी बात की। अब ये देखिए 1/(1 - एफ ओ फाइव है क्या बेटा, एफ ओ फाइव हमारे पास किसके बराबर है, -1/4 के, ठीक है। तो इसकी जगह मैं लिखूंगा -1/4, ये आएगा 1/(1 माइनस माइनस क्या होंगे, +1/4। अब ये देखें जी 1/ डिनोमिनेटर बेटा एलसीएम लें, 4 एलसीएम आएगा, तो 1 का टेबल यहाँ पे 1 पड़ा होगा ना, 1 का टेबल पढ़ोगे 4 आए, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दो, 4 × 1 = 4 आ गए, प्लस 4 का टेबल पढ़ोगे 4 आए, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करवाया उस नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये 1 आ गया, समझ आ गई मेरी बात। तो अब ये देखें एफ ऑफ एफ ऑफ फाइव इज इक्वल टू, ये नंबर बनेगा 1/(4 + 1) क्या होता है, 5/4, ये बना नंबर जी 1/, ये डिवीजन का साइन 5/4, 1 इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दो, ये बनेगा 4/5, यानी कि इस साइड का रेसिप्रोकल ले लिया जाएगा, 4/1 - 4/5 हमारे पास आंसर आ गया, किसका, एफ इंटू एफ ओ फाइव का, ठीक हो गया। ये बेटा हमारे पास आंसर है बेटा, यहाँ से आप डायरेक्ट स्टेप भी कर सकते हो, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर आए तो वो न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी ऊपर जा सकते हो, यानी कि 4/5 यहाँ से भी कर सकते हो आप। अब बेटा आपने इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा इवन फंक्शन के बारे में पूछ रहा है। तो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि अगर कभी आपने इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन के बारे में बताना हो तो आपने फंक्शन में बेटा हर एक्स की जगह क्या पुट करना है, -x। अगर तो मैं फंक्शन में हर एक्स की जगह -x पुट करूं तो फंक्शन बेटा ओरिजिनल फंक्शन के बराबर आ जाए, ठीक है ना। तो ऐसे फंक्शन को फिर क्या कहते हैं, हम इवन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं फंक्शन में हर एक्स की जगह -x पुट करूं
फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन के बराबर तो आए लेकिन नेगेटिव टाइम आए, बाहर में नेगेटिव का साइन भी आए, तो फिर ऐसे फंक्शन को बेटा ऑड फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 4 माइनस 7x² प्लस 7 इज इवन फंक्शन। ऑफ एक्स शो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 4 माइनस 7x² प्लस 7 इज इवन फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि ये x का क्या है, इवन फंक्शन है। अगर ये इवन फंक्शन है, ये प्रूव करना है, तो फिर हमारा रिजल्ट किसके बराबर आना चाहिए, हमारा रिजल्ट बेटा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के बराबर आना चाहिए। तो उसी सूरत में हम जो है एफ ऑफ एक्स को इवन फंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका देखें बेटा, ये चीज़ हमें गिवन की गई है, यानी कि फंक्शन हमें गिवन किया गया, इस फंक्शन को इवन फंक्शन हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 4 माइनस 7x² प्लस 7। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। अब बेटा मैंने इवन फंक्शन इसे प्रूव करना है, चाहे आप इवन फंक्शन प्रूव करो चाहे ऑड फंक्शन, दोनों के लिए बेटा कंडीशन सेम है कि आपने उस फंक्शन में हर एक्स की जगह पे माइनस एक्स जो है वो पुट करना है। ठीक है, तो लिखें यहाँ पे पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू इस x की जगह क्या आएगा, माइनस एक्स, तो होल पावर में क्या आ गया, 4 आ गया, माइनस 7। इस x की जगह क्या आएगा, माइनस एक्स, होल पावर में क्या आ गया, 2 आ गया, प्लस 7 एज इट इज आ गया। बेटा नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन होना, 4 इवन नंबर है, तो नेगेटिव नंबर जो है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये x रेज पावर 4 आ जाएगा माइनस 7। नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो नेगेटिव का साइन खत्म हो जाता है, ये एक्स रेज पावर 2 आ जाएगा प्लस 7। ये क्या हमारे पास है, एफ ऑफ माइनस एक्स। अब ये देखें कि क्या जो नंबर हमारे पास आया है, क्या ये नंबर जो है एक्स रेज पावर 4 माइनस 7x² प्लस 7, ये नंबर नहीं है, तो ये सारा एक्सप्रेशन किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के। तो इसका मतलब है मैं इसकी जगह पे भी क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स लिख सकता हूँ। लिखें जी एफ ऑफ एक्स, क्यों लिखा है, 1 को यूज करते हैं, बिकॉज यूजिंग 1। अब मुझे ये बताएं ये हमारे पास किस चीज़ की डेफिनेशन है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो तो कौन सा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन। लिखें हैंस एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन ऑफ एक्स, ये प्रूव हो गया हमारे पास शोन। ठीक हो गया, तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो अगले क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे।